पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर हजारों की संख्या में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों के प्रदर्शन के कारण कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया तो कुछ को रद्द भी करना पड़ा। दरअसल रेलवे ने एनटीपीसी परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगाते हुए हजारों की संख्या में परीक्षार्थी दोपहर करीब 3 बजे पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पहुँच गए और ट्रैक को जाम कर दिया। शाम तक अफरा तफरी की स्थिति रही। स्थिति को देखते हुए पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी राजेंद्र नगर टर्मिनल पहुंचे और छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब छात्र किसी की बात सुनने को राजी नहीं हुए और हंगामा करते रहे तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। भगवान के सब किसी को नहीं मारे काम करते काम नहीं कुछ किया। प्लीज सर अकेला भी नहीं मारे सर, कभी गलती से भी सर आपसे जान मार दीजिए सर हमको ना। धोने से पहले एनटीपीसी का वैकेंसी आता है फरवरी में, फरवरी मार्च में फॉर्म भराता है, उसके बाद चुनाव होता है या उसमें नोटिफिकेशन में लिखा हुआ रहता है कि आपका जुलाई अगस्त में एग्जाम करवा दिया जाएगा। एग्जाम नहीं होता है जुलाई अगस्त में, एग्जाम नहीं होता है बोल देते हैं। एग्जाम जब नहीं होता है उसके बाद फिर कोरोना आ जाता है, कोरोना में फिर उसी तरह से हो जाता है। फिर प्रधानमंत्री का जन्मदिन के दिन ट्विटर कैंपेन चलाया जाता है बेरोजगार दिवस, उसके बाद रेलवे का एनटीपीसी रियल डेट अनाउंस करता है एग्जाम का। एग्जाम का जब डेट अनाउंस होता है उसके बाद एग्जाम शुरू होता है 28 दिसंबर 2020 को। 28 दिसंबर 2020 से परीक्षा शुरू होता है, लगभग 1 करोड़ बच्चे होते हैं तो उसमें 3-4 महीने तक परीक्षा होना होता है ऑनलाइन परीक्षा। उसके बाद फरवरी मार्च में फिर कोविड आ जाता है, फिर परीक्षा 2-3 महीने के लिए रुक जाता है, फिर परीक्षा कोविड के बाद शुरू होता है तो जुलाई में परीक्षा खत्म होता है। जुलाई में परीक्षा खत्म होने के बाद फिर रिजल्ट देना भूल जाते हैं ये लोग। फिर प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन 16 दिसंबर को हम लोग फिर से 17 सितंबर को ट्विटर पे फिर से कैंपेन किया जाता है कि एनटीपीसी का रिजल्ट रिलीज कीजिए मिलियन में, एनटीपीसी का रिजल्ट रिलीज करिए, ये ट्विटर कैंपेन चलता है। उसके बाद रेलवे नोटिस देता है कि हम जनवरी 2021 में 22 में रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे 15 जनवरी 2022 को। अब 14 जनवरी 2022 को एनटीपीसी का CBT1 का रिजल्ट आया। नोटिफिकेशन में ये लिखे थे कि हम 20 गुना बच्चे का रिजल्ट CBT1 में देंगे, रिजल्ट बस दिए हैं 7 से 8 गुना बच्चे का। और ये रेलवे बोल रहे हैं कि हम 20 गुना बच्चे का रिजल्ट दे दिए हैं। अब बताते हैं कैसे ये बोल रहे हैं। जिस बच्चे का रिजल्ट हुआ है वो अपने आप में 4 गुना है, एक ही बच्चे का 4 जगह रिजल्ट है, 4-4 पोस्ट पे। PT जब लिए ये तो 12th का बच्चा भी भरा था फॉर्म, 12th पास भी और ग्रेजुएशन पास भी, दोनों के लिए कॉमन पेपर लिए, कट ऑफ 4 तरह का बनाया है ये। छात्रों के हंगामे के कारण कई ट्रेनों को डाइवर्ट करना पड़ा। विक्रमशिला एक्सप्रेस को किउल में गया होते हुए आनंद विहार टर्मिनल भेजा गया। इसके साथ ही पटना राजधानी एक्सप्रेस व संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस को रद्द करना पड़ा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव की रिपोर्ट।